बढ़ते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या में बीजेपी कार्यकर्ता अमित मौर्य ने आत्महत्या की। बता दें आपको, ट्रेन के आगे कूदकर अमित मौर्य ने जान दे दी है। चौकी प्रभारी देवकाली सिपाही हेमंत पर आरोप लगाया है कि भूमि विवाद के मामले में उत्पीड़न का आरोप लगाया था और इसी के वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बता दें चाचा और नगर कोतवाल पर भी आरोप लगाया गया है और जिले के बीजेपी नेताओं ने अमित की कोई मदद नहीं की है, उनकी तरफ से आरोप लगा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने, जहां पर आपको बता दें कि अमित ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी है। इसी के साथ ही चाचा और नगर कोतवाल पर आरोप सामने आ रहे हैं, ये भूमि अधिग्रहण को लेकर ये पूरे मामले सामने आए हैं, जहां पर जिले के बीजेपी नेताओं पर मदद ना करने का भी आरोप सामने आ रहा है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें बीजेपी कार्यकर्ता अमित मौर्य ने आत्महत्या कर ली है। बता दें कार्यकर्ता की जो अमित है, उनके परिजनों की तरफ से आरोप सामने आए हैं कि वो काफी परेशान थे, जिसके चलते ट्रेन के आगे कूदकर अमित मौर्य ने आत्महत्या कर ली है। साथ ही आपको बता दें चौकी प्रभारी देवकली और सिपाही हेमंत पर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। भूमि विवाद के मामले में उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है मृतक के परिजनों की तरफ से और इसी के साथ ही चाचा और नगर कोतवाल पर भी आरोप लगे हैं, उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं और इसी के चलते अमित मौर्य ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। जिले के बीजेपी कार्यकर्ता थे अमित मौर्य, इसी के साथ ही उनके परिजनों की तरफ से कहा गया कि वो काफी परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं की तरफ से किसी तरह की मदद अमित मौर्य की नहीं की गई है, जिसकी वजह से अमित मौर्य मजबूरन ट्रेन के आगे कूद गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चौकी प्रभारी देवकाली और सिपाही हेमंत पर भी उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अमित मौर्य ने आत्महत्या कर ली है। भूमि विवाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भूमि विवाद को लेकर उत्पीड़न के चलते अमित ने आत्महत्या कर ली है।